खबर गाजीपुर जनपद से है, जहां बहरियाबाद स्थानीय कस्बा स्थित सुभाष विद्या मंदिर इंटर कॉलेज व महाविद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय बैजनाथ साह की पांचवी पुण्यतिथि कार्यक्रम विद्यालय परिसर में हवन पूजन व माल्यार्पण के साथ संपन्न हुई। इस अवसर पर वृक्षारोपण भी किया गया। विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य छोटेलाल मौर्य ने बतौर मुख्य अतिथि स्वर्गीय सहाय के व्यक्तित्व कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि समाज सेवी, चिकित्सक, शिक्षाविद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपना आदर्श मानने वाले डॉक्टर बृजनाथ सहाय आजीवन देश व समाज के लिए समर्पित रहे। अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और फारसी भाषाओं के जानकार सहाय जी आजमगढ़ प्रवास के दौरान पद्मनाथ सिंह के नेतृत्व में पुरुषोत्तम दास, अंगुरिया व जूठान सिंह आदि की टीम के साथ स्वतंत्रता संग्राम में न केवल अहम भूमिका निभाई बल्कि लोगों को जागरूक करने व जोश भरने के लिए चोरी छिपे प्रतिबंधित रणभेरी पत्रिका का वितरण भी किया। पद्मनाथ सिंह जब आजमगढ़ जेल में बंद थे तब उन्होंने जेल गेट के पंप पर बम मारा और रातों रात पैदल ही बहरियाबाद आ गए। क्षेत्र में फैली अशिक्षा से इनका मन हमेशा उद्वेलित रहता था। यही कारण है कि आजादी के बाद 20 जनवरी 1948 को नेताजी के नाम पर सुभाष विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की स्थापना करने के साथ ही समाज सेवा में लग गए और कई गांव के मुखिया भी रहे। इससे पूर्व हवन पूजन के बाद मुख्य अतिथि द्वारा सहाय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के साथ ही विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण भी किया गया। इस अवसर पर प्रबंधक अजय सहाय, आशीष सहाय, रामाश्रय मिश्र, अमित सहाय, राम प्रकाश निसार, अहमद फैज, रामपलट, खूब चंद यादव, राम प्यारे प्रजापति, हैदर अब्बास, पंकज मिश्रा, आद्या प्रसाद पटेल, गुलाब गुप्ता, राजेश संजय आदि लोग मौजूद रहे। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिरगिथा पर नहीं पहुंचते हैं चिकित्सक, एक फार्मासिस्ट के बदौलत चल रहा है अस्पताल। थानानंदगंज विकास खंड देवकली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिरगिथा की हालत बिल्कुल बदतर है, जिसमें नियुक्त डॉक्टर शांतनु मिश्रा कभी कभार ही आते हैं, बाकी के दिनों में अस्पताल केवल एक फार्मासिस्ट के बदौलत चलता है। आपको बता दें, युवा शक्ति संघ के कार्यकर्ताओं ने हॉस्पिटल में पहुंचकर देखा तो वहां चिकित्सक सहित नियुक्त एएल अप्रवीण कुमार, चौकीदार पंकज कुमार गुप्ता, वार्ड बॉय साकिर भी अनुपस्थित थे। फार्मासिस्ट जयप्रकाश वर्मा ने बताया कि ये लोग नहीं आए हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि ये कभी कभी आते हैं। युवा शक्ति संघ के जिला महासचिव धीरज कुमार यादव उर्फ छोटे ने बताया कि ये हॉस्पिटल सन 2008 को बना और तब से लेकर आज तक यहाँ कभी भी चिकित्सक अपने समय पर नहीं आते। 2-3 महीने पहले सीएमओ गाजीपुर यहाँ निरीक्षण के लिए आए थे, फिर भी इसका कोई भी समाधान नहीं निकला। यहाँ देखने पर पता चला कि यह ड्रेसिंग रूम से पूरी तरह कचरे की भरमार है। यहाँ स्टाफ रूम में न खिड़की है न दरवाजा, कुछ भी नहीं है। यहाँ पास के लोग गंदगी कर रहे हैं। यहाँ जानवरों के अलावा कोई भी इसमें नहीं रहता। हॉस्पिटल के बाथरूम पूरी तरह से छत बिछत पाए गए। वहां उपस्थित मरीजों ने बताया कि डॉक्टर शांतनु मिश्रा कभी आए होंगे लेकिन मैंने उन्हें देखा नहीं। फार्मासिस्ट के बदौलत पूरा अस्पताल संचालित हो रहा है। पूरे प्रांगण में बड़ी बड़ी घास और जगह जगह गड्ढों में पानी भरा हुआ है, बेड टूटे हुए हैं। अस्पताल के पूरे कमरों में गंदगी की भरमार थी। अजय चौहान ने बताया कि यहाँ 10 वर्ष पूर्व जब यह अस्पताल बनकर तैयार हुआ, लोगों को खुशी हुई कि अब इलाज के लिए दूर नहीं जाना होगा, लेकिन आज लगभग हर घर में मरीज है। लेकिन लाचारी इस बात की है कि यहाँ न चिकित्सक के आने जाने का समय है, ना ही व्यवस्था के नाम पर किसी समुचित संसाधन है। वहाँ नियुक्त चिकित्सक शांतनु मिश्रा से संपर्क करने पर पता चला कि वो खुद कई बार इस बाबत अपने उच्च अधिकारियों को मामले से अवगत करा चुके हैं और अनुपस्थित होने संदर्भ में उन्होंने बताया कि मुझे कोरोना में इसे कई जगह पर कार्य करना पड़ता है, बाकी के दिनों में मैं उपस्थित रहता हूँ। गाजीपुर जनपद से अजीत कुमार के साथ पुनीत कुमार त्रिपाठी की रिपोर्ट। Gracias.
क्लासरूम की क्या कंडीशन है अब? स्टोरेज बना रखे ड्रेसिंग कट थी लिखा इसको ड्रेसिंग कट अभी हम आपको लेके चल रहे हैं दूसरे रूम में और यहाँ आप देखिए कि इस रूम का क्या दशा है। अगर खबर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर करना न भूलें।